दोस्तों आज के इस वीडियो में होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन इन दो डिवाइसेस के बीच में। जी हाँ, Redmi Note 10 Pro Max और Realme 8 Pro दोनों ही डिवाइसेस लेटेस्ट हैं अपने अपने ब्रांड की तरफ से। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं, आज के इस वीडियो में डिटेल में कंपैरिजन करते हैं इन दोनों ही डिवाइसेस का। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही फ़ोन्स में दिया गया है 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप, और दोनों ही फ़ोन्स आपको 20,000 रुपये से नीचे की प्राइस में देखने को मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी बात करेंगे आगे डिटेल में, लेकिन स्टार्ट करते हैं दोनों ही फ़ोन्स के डिज़ाइन के साथ में। तो ये आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स का दोस्तों रियर डिज़ाइन। अब डिज़ाइन में हमें काफ़ी सारे डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप दोनों ही फ़ोन का रियर पैनल देख सकते हैं। Redmi Note 10 Pro Max बिल्कुल प्लेन सा आपको बैक पैनल देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर आपको मैट फिनिश जैसा ही फील होगा, लेकिन काफ़ी हद तक ये आपको ग्लॉसी भी देखने को मिलेगा कुछ अलग अलग एंगल से। वहीं अगर मैं बात करता हूँ Realme 8 Pro की, तो ये मैट फिनिश के साथ में ही आपको देखने को मिल रहा है, और एक बड़ा सा लिखा है डेयर टू लीव, जो कि कुछ लोगों को पसंद आता है और कुछ लोगों को नहीं। वैसे इस बार जो डेयर टू लीप है, इसको आप थोड़ा सा फील भी कर सकते हैं, ग्लो भी हो रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी आप बताइएगा कि आपको ये डेयर टू लीप लिखा हुआ पसंद आया या फिर नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों बैक पैनल की, तो हालांकि ये पॉलीकार्बोनेट बॉडी से बना है, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि दोस्तों फ़ोन हाथ में लेने के बाद प्रीमियम हमको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ नोट 10 प्रो मैक्स की, तो ये आपको मिलता है ग्लास बेल्ट के साथ में। तो कुछ ऐसा था दोस्तों रियर पैनल। बात करते हैं दोस्तों वेट की, तो Realme 8 Pro ज़्यादा लाइट वेट है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा हल्का लग रहा है। ये आपको मिलता है सिर्फ 176 ग्राम के वेट के साथ में, जबकि Redmi Note 10 Pro Max में दिया गया है लगभग 192-193 ग्राम का वेट। तो ये डिफरेंस था। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों थिकनेस की, तो ये इंटरेस्टिंग है कि दोनों ही फ़ोन्स का थिकनेस आपको देखने को मिलता है 8.1 mm। इसका मतलब काफ़ी पतले फ़ोन हैं ये दोनों ही। तो कुछ ऐसा था दोनों ही फ़ोन का रियर डिज़ाइन। फ्रंट साइड की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सबसे पहले तो आप स्क्रीन साइज़ देख सकते हैं, जो कि आपको 6.4 इंचेस का देखने को मिल रहा है Realme 8 Pro में। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा स्क्रीन साइज़ है किसी एक डिवाइस के लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ Redmi Note 10 Pro Max की, तो दिया गया है 6.67 इंचेस का स्क्रीन साइज़। दोनों ही फ़ोन्स आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कॉर्नर साइड में इसको अलाइन किया गया है, जबकि नोट 10 प्रो मैक्स में सेंटर साइड में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेजल साइज़ की या फिर हेड और चेन के साइज़ की, तो वो हमें लगभग सेम देखने को मिल रहे हैं। मतलब हाँ, काफ़ी नैरो बेजल्स दिए गए हैं दोनों ही फ़ोन्स में, तो फुल व्यू एक्सपीरियंस होने वाला है इन दोनों ही फ़ोन्स के डिस्प्ले का। पोर्ट्स की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर केबल नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। 3.5 जैक भी आपको देखने को मिल रहा है दोनों ही डिवाइसेस में, लेकिन Realme 8 Pro में वो बॉटम साइड में दिया गया है, जबकि Redmi Note 10 Pro Max में वो ऊपर की साइड। यहाँ पे प्राइमरी माइक आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं करता हूँ ऊपर की साइड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Redmi Note 10 Pro Max में आपको 3.5 जैक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाते हैं, सेकेंडरी माइक्रोफोन भी है, और यहाँ पर आपको सिर्फ सेकेंडरी माइक्रोफोन का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में दोनों ही फ़ोन्स के सिम ट्रे हैं, जहाँ पे आप दो सिम कार्ड के साथ में मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। तो दोस्तों डिज़ाइन दोनों ही फ़ोन्स का अच्छा है, लेकिन हाँ कुछ कुछ एडवांटेज आपको दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि नोट 10 प्रो मैक्स में आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिलेगा, वहीं Realme 8 Pro काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है, और जो हैंड्स ऑन ग्रिप है वो भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रीन साइज़ है वो आपको मिलता है सिर्फ 6.4 इंचेस का। वैसे जो थिकनेस वगैरह थी, वो तो दोनों ही फ़ोन्स में लगभग सेम हमको देखने को मिल रही है। बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले की, तो स्क्रीन साइज तो जैसा कि मैंने आपको बताया 6.4 इंचेस और 6.67 इंचेस का आपको मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले क्वालिटी की, तो ये अच्छी बात है कि दोनों ही फ़ोन हमें देखने मिलते हैं एक सुपर एमोलेड पैनल के साथ में। तो डिस्प्ले क्वालिटी दोनों ही फ़ोन का काफ़ी अच्छा होने वाला है। कलर रिप्रोडक्शन या फिर अगर मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रास्ट की, तो वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो डिस्प्ले दोस्तों दोनों ही फ़ोन का हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं स्क्रीन रिफ्रेश रेट की, तो वहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जी हाँ, नोट 10 प्रो मैक्स हमें देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज़ के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में, जबकि Realme 8 Pro में हमें स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज़ का पैनल ही देखने को मिल रहा है। हालांकि सुपर एमोलेड पैनल 60 हर्ट्ज़ के साथ में भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं नोट 10 प्रो मैक्स से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा स्मूथ होने वाला है नोट 10 प्रो मैक्स। तो दोस्तों मुझे लगता है कि Realme 8 Pro को यहाँ पर अपग्रेड करना चाहिए था Realme 7 Pro से, जैसे कि Redmi ने अपग्रेड किया, Realme को भी यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट देना चाहिए था। चलिए दोस्तों, अब बात आती है इन दोनों ही फ़ोन के की हाईलाइट फीचर की तरफ, जो कि है इनका कैमरा। जी हाँ, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर हमें दोनों ही फ़ोन में देखने को मिल रहा है। हालांकि कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा है नोट 10 प्रो मैक्स में, तो अगर आप टेबल पर रखते हैं तो कुछ इस तरीके की आवाज़ आ सकती है, लेकिन Realme 8 Pro में ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये डिफरेंस भी हमको ध्यान रखना चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही फोन के कैमरा सैंपल्स। हालांकि डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि फर्स्ट इंप्रेशन में इमेजेस Realme 8 Pro की बेटर देखने को मिल रही हैं, कलर्स वगैरह भी थोड़े से अच्छे हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी फ़ोन की इमेजेस आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिल रही हैं। हालांकि कोशिश करेंगे इनका डिटेल कैमरा कंपैरिजन करने की, क्योंकि काफ़ी सारे कैमरा फीचर वीडियो फीचर आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाते हैं, तो उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून करिएगा। बात करते हैं दोस्तों बैटरी और चार्जिंग की, तो 4500 mAh का बैटरी हमको देखने को मिल रहा है Realme 8 Pro में, जबकि Note 10 Pro Max में दिया गया है 5020 mAh का बैटरी। वहीं अगर मैं बात करता हूँ चार्जिंग स्पीड की, तो 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को मिलता है Note 10 Pro Max में, जबकि Realme 8 Pro में दिया गया है 50W का सुपर डार्ट चार्जिंग। और दोस्तों अब है दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस। आपको बता दें कि स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट के साथ में आपको मिलता है नोट 10 प्रो मैक्स, जबकि Realme 8 प्रो में दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट। अब दोस्तों अगर हम ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देखते हैं दोनों ही चिपसेट की, तो वो लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो GPU है वो भी एड्रेनो का 618 आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि जो फ्रिक्वेंसी है GPU की उसको बढ़ा दिया गया है स्नैपड्रैगन 732G में, तो वहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है इनकी परफॉर्मेंस में। लेकिन चलिए एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन करते हैं स्पीड टेस्ट से, तो स्टार्ट करते हैं बेंचमार्क स्कोर से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फोन्स के एंटीटू बेंचमार्क स्कोर्स, तो स्कोर्स तो हमें बेटर देखने को मिल रहे हैं Realme 8 Pro के Note 10 Pro Max के कंपैरिजन में। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों Geekbench की, तो वहाँ पे जो स्कोर्स थे वो लगभग सेम थे। चलिए अब चलते हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन के फर्स्ट राउंड की तरफ, जहाँ पे हम करने वाले हैं दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम पे एप्लीकेशन को ओपन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन में है सेम एप्लीकेशन सेटअप, और आप अब ये भी देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन में कोई भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फाट 9 के साथ में, और फिर हम जाएंगे दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। तो दोस्तों ये था फर्स्ट राउंड, और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस था वो लगभग सेम था, मतलब कुछ एप्लीकेशन आपको फास्ट ओपन होती है देखने को मिली नोट 10 प्रो मैक्स में, जबकि कुछ एप्लीकेशन रियलमी 8 प्रो में। और टाइम डिफरेंस भी आपने देखा, मतलब बहुत ही कम टाइम डिफरेंस था दोनों ही फ़ोन्स की एप्लीकेशन को ओपन होने में, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस को हम सेम ही कहेंगे, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। चलिए सेकंड राउंड की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम एप्लीकेशन लॉन्च तो करेंगे ही, साथ ही रैम मैनेजमेंट को भी चेक करेंगे, और यहाँ पर हम टाइम को मेजर करने वाले हैं स्टॉपवॉच के थ्रू। तो चलिए इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। We'll be right back.
और दोस्तों ये था सेकेंड राउंड, जहाँ पर मैं टाइम का डिफरेंस देखने को मिल रहा है 2 मिनट और 35 सेकेंड और 2 मिनट और 46 सेकेंड। यहाँ पर जो एप्लीकेशन लॉन्च टाइम था वहाँ पे भी हमें Realme 8 Pro थोड़ा सा बेटर देखने को मिला। अब ये दोस्तों मल्टीटास्किंग की वजह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का जो UI है वो अलग अलग है। MIUI 12 हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी है, जबकि यहाँ पर Realme में आपको Realme UI 2.0 देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि बेटर ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। रैम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो लगभग दोनों ही फ़ोन में सेम था, काफ़ी सारी एप्लीकेशन दोनों ही फ़ोन में स्टॉप हो गई थी बैकग्राउंड में, तो उनको रीलोड करना पड़ा। तो दोस्तों ये था परफॉर्मेंस इन दोनों ही फ़ोन्स का। सिक्योरिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमको देखने को मिल रहा है Realme 8 Pro में, जबकि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है Redmi Note 10 Pro Max में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साउंड की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं Redmi Note 10 Pro Max में, जबकि Realme 8 Pro में आपको सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी हाई रेजोल्यूशन सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो ऑडियो क्वालिटी इसका भी अच्छा था, लेकिन Note 10 Pro Max में आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये था डिटेल कंपैरिजन इन दोनों ही फ़ोन्स के बीच में। तो अब आपके क्या राय है, आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद आया प्राइस के अकॉर्डिंग, वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आज की वीडियो इतना ही था, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं सही और वीडियोज़ देखना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें, और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।